हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आइए देखते हैं। ये टॉपिक आपका यूपी टीईटी के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पुराने क्वेश्चंस पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यहाँ तक कि अभी पीछे के एक दो एग्जाम्स में जो हुए हैं उनमें तो दो दो क्वेश्चन तक आए हैं। तो ये टॉपिक मैं यही कहूँगी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पारिस्थितिक तंत्र, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि कहा गया है कि जो जीव विज्ञान है कि उस शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और वातावरण के पारस्परिक संबंध जहां स्थापित होता है वैसे अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो उन्होंने सन 1935 में दिया था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये कहा था कि सजीव एवं निर्जीव कारकों के पारस्परिक संबंधों तथा प्रक्रियाओं के इकाई का जो रूप था वही पारिस्थितिकी है। यानी कि सजीव और निर्जीव कारक जो थे, जो आपस में संबंध स्थापित करते हैं, जो आपस में प्रक्रियाएं करते हैं, उनसे जो घटना सामने आती है, जो स्थिति बनती है, वही हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। तो अब देखते हैं कि पारिस्थितिक है क्या, इसको कैसे समझेंगे हम पारिस्थितिक तंत्र। तो देखते हैं, इस पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। तो देखते हैं जैविक घटक में क्या है। जैविक घटक को फिर पुनः तीन भागों में डिवाइड किया। जैविक घटक को पुनः फिर तीन भागों में बांटा गया, तो जिसमें से पहला भाग है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक क्या है, उत्पादक इस पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे पहली इकाई है। उत्पादक पौधों को कहा जाता है जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं ही अपना भोजन बना ले, उत्पादक कहलाते हैं। इनको हम स्वपोषी भी कह सकते हैं। स्वपोषी कह सकते नहीं है, ये होते ही हैं स्वपोषी। यानी कि स्व मीन्स अपना, पोषी माने पोषण, जो अपना पोषण स्वयं कर ले वह स्वपोषी होते हैं। तो अपना पोषण केवल पादप जगत में पादप ही करते हैं, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनको स्वयं ही अवघटित करते हैं। अब क्या है, दूसरा है हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता जो दूसरों पर निर्भर हो, परपोषी हो। यानी कि उपभोक्ता मतलब होता है परपोषी, जो दूसरे द्वारा पोषण जिसका किया जाए, इन्हें हम परपोषी भी कह सकते हैं। परपोषी यानी जिनका पोषण पर यानी दूसरे द्वारा होता है वो परपोषी कहलाते हैं। परपोषी का पोषण कैसे होता है, जो ये उपभोक्ता हैं ये स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, यानी कि पादप जगत जो होता है उन पर निर्भर होते हैं ये उपभोक्ता, ये कहलाते हैं परपोषी। अब आपका आता है अपघटक। अपघटक वो चीज है जो अंतिम पोजिशन बनाते हैं, जो सब कुछ को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे जीवाणु आता है आपके, जीवाणु, शैवाल, ये सभी उत्पादक उपभोक्ताओं को अपघटित करते हैं। तो आपका है जीवाणु, शैवाल, कवक, ये सब अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए यहाँ से उपभोक्ता का आता है तीन। अब यहाँ है उपभोक्ता के भी तीन भाग हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आता है आपका पहला है प्रथम उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता और तीसरा है तृतीय उपभोक्ता। ये तीन उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं के भाग हैं तीन उपभोक्ता। तो पहला उपभोक्ता कौन है, पहला उपभोक्ता है जो स्वपोषियों पर निर्भर हो, स्वपोषियों पर निर्भर रहने वाला प्रथम उपभोक्ता। पहला उत्पादक स्वपोषी। स्वपोषी क्या है, आपके हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे चाहे वो किसी भी तरह के हो, हरे पौधे आपके स्वपोषी भी कहलाते हैं और उत्पादक भी कहलाते हैं।
और इन पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। अब यहाँ पे उपभोक्ता के तीन खंड दिखाए गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब कहा है कि प्रथम उपभोक्ता कौन है, तो प्रथम उपभोक्ता वो उपभोक्ता है जो पूरी तरह से स्वपोषियों पर निर्भर हो, जिसमें आता है खरगोश। खरगोश आप देख सकते हैं कि खरगोश पूरी तरह से स्वपोषी यानी कि जो स्वपोषी हरे पौधों पर निर्भर है वो। अब आपका आता है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन है, वो उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, जो प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं वो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। जैसे आपका आ गया कुत्ता, कुत्ता खरगोश को खा जाता है, तो इसलिए ये आ गया आपका द्वितीय उपभोक्ता। ऐसे प्राणी जो प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब आपका आता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता क्या कौन है, तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, वो तृतीय उपभोक्ता होते हैं। जैसे शेर, शेर आप देख रहे हैं कि शेर इसको द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता है शेर, तृतीय उपभोक्ता है जो द्वितीय उपभोक्ता को खा रहा है कुत्ता है जो। अब कुत्ता यानी कि द्वितीय उपभोक्ता खा रहा है प्रथम उपभोक्ता को, और प्रथम उपभोक्ता पूरी तरह से निर्भर है स्वपोषी या उत्पाद पर, यानी कि उत्पाद द्वारा पोषण होता है उपभोक्ता का। जो प्रथम उपभोक्ता है खरगोश, खरगोश का उपभोग करता है कुत्ता, कुत्ते का उपभोग करता है तृतीय उपभोक्ता यानी कि से। तो ये देख सकते हैं एक श्रृंखला बनी हुई है, ये श्रृंखला कुछ इस तरह से चल रही है। तो यहाँ पे जब ये शेर आप देख रहा है शेर, तो शेर जब मर जाता है तो इसका अपघटन होता है, तो इसका अपघटक कौन करता है, तो आपके जीवाणु शैवाल जो कवक है वो इसका मृत शरीर के या फिर पादप जगत के जीव वृक्ष हो या जो भी जो मरणोपरांत जो बचता है उसके समाप्त होने के बाद, चाहे वो जीव जगत का हो चाहे पादप जगत का हो, उसको अपघटक करने का काम जीवाणु शैवालों का होता है। तो ये उसको जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, और जो मृदा है मृदा में चली जाती है, और जो ऊष्मा है वो ऊष्मा वायुमंडल में चली जाती है। तो यहाँ से ये एक चक्र बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर चला जाता है। अब आपका देखिए आगे क्या है, आपका हमारा दूसरा पारिस्थितिक तंत्र का, ये भी आपने देखा जैविक घटक, और यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा है जो है अजैविक घटक। ये आपका पहला था, ये आपका है दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक में वो पदार्थ आते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। आप देख रहे हैं कि जैविक घटक जिसमें जीवन है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है, वो कौन कौन से हैं, आपके कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, खनिज। तो आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ एक पूरा डायग्राम बन चुका है पारिस्थितिकी तंत्र का। इसको हम एक और सरल तरीके से, ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, शुरू से घास है जो हमारे उत्पादक कहलाते हैं या स्वपोषी, इनका दूसरा नाम स्वपोषी भी है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसको जो खाते हैं कीट, कीट आपके हो गए प्रथम उपभोक्ता, ये आपके हो गए प्रथम, जो इन्हें खाता है वो हो गया द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। मेढक को जो खा रहा है वो हो गया सांप, सांप क्या है आपका तृतीय उपभोक्ता। अब सांप को खा रहा है मोर और बाज, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपके तीन ही घटक हैं उपभोक्ता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो ये आपके आते हैं उच्च उपभोक्ता में, ये हो गए आपके उच्च उपभोक्ता। यानी कि आपके जो खाद्य श्रृंखला बनती है वो तृतीय उपभोक्ता तक ही बनती है, इसको ऊपर को जो ग्रहण करते हैं उपभोग करते हैं वो उच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इस उपभोक्ताओं का क्या होता है, जब ये समाप्त अपना जीवन लीला समाप्त कर ले तो इनका अपघटन होता है, अपघटन जो कार्बनिक पदार्थ है वो टूट, इनको तोड़ने का काम है। जब ये टूट जाते हैं तो जो मिट्टी में मिलने वाली चीजें तो वो मिट्टी में मिल जाती है, जो वायुमंडल में ऊर्जा है ट्रांसफर होने वाली वायुमंडल में चली जाती है, और वो पुनः फिर नए तरीके से यूं कह लें कि घास का निर्माण या पादपों के लिए वो एक खाद का काम करती है, और यहाँ से फिर पादप जगत स्टार्ट होता है, कीट, मेंढक, सांप, बाज, मोर, इसी तरह से ये श्रृंखला चलती रहती है। तो फ्रेंड्स टॉपिक ये आपको कैसा लगा, फ्रेंड्स हमें इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।